दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और डेविड वार्नर को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली की जीत के बाद कप्तान डेविड वार्नर ने गुजरात की बेइज्जती कर दिया, सनसनीखेज बयान दिया। दोस्तों, गुजरात की टीम को दिल्ली के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में हार के बाद गुजरात की बेइज्जती करते हुए दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए गुजरात के बारे में कुछ ऐसी बातें कर डाली जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार दिल्ली की जीत के बाद कप्तान डेविड वार्नर ने गुजरात का मजाक उड़ाते हुए क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है डेविड वार्नर, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में से बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान कौन है, इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, गुजरात और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला गुजरात के घरेलू मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई, जहां दिल्ली की टीम की तरफ से बल्लेबाजों की खराब शुरुआत रही है। 28 रन के स्कोर पर दिल्ली की आधी टीम पवेलियन को लौट गई, लेकिन इसके बाद अमन खान के 51, रिपाल पटेल के 23 और अक्षर पटेल के 27 रन के दम पर दिल्ली की टीम सम्मानजनक स्कोर तक 130 रन 8 विकेट के नुकसान पर पहुंच गई। इस दौरान मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं मोहित शर्मा को 2 और राशिद खान को 1 विकेट मिला। हालांकि इसका पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत भी खराब रही, जहां 32 रन के स्कोर पर 4 विकेट गिर गए। लेकिन इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने टीम को संभाला और अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में गुजरात की हार के बाद दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने गुजरात का मजाक उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए गुजरात की बेइज्जती कर सनसनीखेज बयान जारी किया, जिसमें डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा है कि इस मुकाबले में गुजरात की टीम को लगभग जीते हुए मुकाबले में हार मिली है, जिसे देखकर हम काफी ज्यादा हैरान रह गए हैं, क्योंकि इस मुकाबले में गुजरात की टीम लगभग मुकाबले को जीत चुकी थी और पहली पारी में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मुकाबले को आधा अपने नाम कर लिया, लेकिन हमारी टीम ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। हमारी टीम भी बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए आई थी और पहली पारी में खराब बल्लेबाजी करने के बाद हमने दूसरी पारी में बेहतरीन गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ, और हमारे गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मुकाबले को काफी ज्यादा रोमांचक बनाया और गुजरात की टीम को करारी तरीके से हरा दिया। हालांकि इस मुकाबले में गुजरात को जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन गुजरात ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर इस मुकाबले को गंवाया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में गुजरात की टीम लगभग जीते हुए मुकाबले को हार गई है। गुजरात की टीम के पास मोमेंटम था, क्योंकि उन्होंने 28 रन के स्कोर पर दिल्ली की आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए गुजरात की टीम ने खराब प्रदर्शन किया, जिसके चलते गुजरात की टीम इस मुकाबले को हार गई। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने कप्तान के तौर पर काफी धीमी पारी खेली, जहां गुजरात की टीम को हार के साथ भुगतना पड़ा। गुजरात की टीम के लिए हार के असली जिम्मेदार कप्तान हार्दिक पांड्या धीमी पारी के कारण है, साथ में पूरी टीम अपने खराब प्रदर्शन के कारण रही है। ऐसे में आईपीएल की सबसे मजबूत और चैंपियन टीम को हराकर हम काफी ज्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गुजरात की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।